बालिका वधू फेम एक्ट्रेस अविका गौर की बॉलीवुड एंट्री पर हुआ ये बड़ा खुलासा। 18 साल बड़े एक्टर को कर रही थी डेट। रिलेशन की खबरों पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी और बोल दी बड़ी बात। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो बड़ी सनसनीखेज खबर जिसको लेकर एक बार फिर अविका गौर आ गई हैं लाइमलाइट में। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। एक्ट्रेस विक्रम भट्ट की बेटी कृष्णा भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट रिलीज होने वाली है। वहीं इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पे अविका गौर को कास्ट किया गया है और इसी के साथ अविका गौर ने टेलीविजन के बाद अब बॉलीवुड में कदम रख दिया है। ऐसे में आपको बता दें एक्ट्रेस ने अपने पास्ट में हुए कुछ रिलेशन के बारे में खास खुलासा किया है। ससुराल सिमर का की को एक्टर मनीष राय सिंघानी के साथ डेटिंग की अफवाह को लेकर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है। दरअसल शो में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी शानदार थी और फिर उनके रिलेशन की खबरें सामने आई। एक इंटरव्यू के दौरान अविका ने कहा, पहली बार जब अफवाह सामने आई तो थोड़ा अजीब लगा था। लिखा गया था कि हम हमेशा साथ रहते हैं जो सच था, हर वक्त हम साथ बिताते हैं, लेकिन वो हम सिर्फ स्क्रिप्ट और शॉर्ट फिल्म शूट करने के लिए, खूब मस्ती भी हमारी होती थी, हमारे परिवार ने परवाह नहीं की, लेकिन मनीष बड़ा होने के नाते जिम्मेदार होने की बात सोचते थे। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी उन्होंने मुझसे कुछ दूरियां बना ली और जिसके बाद और जानबूझकर हम सीन्स को करने के अलावा एक साथ बिल्कुल भी नहीं घूमते थे, लेकिन लोग फिर भी ये बातें करने लगे कि हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मनीष आज भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं कभी भी उनके साथ रिलेशन में नहीं थी, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड। इसके साथ ही अविका ने ये भी शेयर किया कि वो हमेशा एक दोस्त के रूप में रहें, उनका परिवार भी उनसे प्यार करता था। इन सब के बीच मनीष की संगीता चौहान से शादी हो गई। वहीं अविका ने शेयर किया, उन्होंने मेरे जन्मदिन पर शादी की, एक बेस्ट फ्रेंड की ओर से इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है। साफ तौर पे अविका गौर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर ये सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके बाद अविका गौर के रिलेशन की खबरें लगातार सुर्खियां बना रही हैं। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पे, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।